पिछली सरकार की सुर में सुर मिलाने वाले अधिकारी कर्मचारी अब सचेत हो जाएं, राजस्व मामले में गंभीरता से विचार कर जरूरी कदम उठाएंगे, राजस्व अदालतें लगाई जाएंगी, पूरे प्रदेश में ड्राइवरों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा, नई परिवहन नीति बनेगी, कहा प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले से वापस लौटते समय अल्प प्रवास पर रीवा में कुछ वक्त गुजारने के लिए रुके प्रदेश के राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कांग्रेसियों सहित प्रशासनिक अमले ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर रीवा दर्शन ने उनसे खास बातचीत की। तारीख को संभागीय समीक्षा की बैठक है, इसके बाद हम रीवा, अपना ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर सारे संभाग लेंगे। परिवहन में हमारा सोचना है कि परिवहन में ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। आपके शहर में तो परिवहन की व्यवस्था सो ठीक है, पर गांव से जो आदमी आपके रीवा आता है, अब वो गांव से कस्बा तक आने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि आदमी को गांव से कस्बा और कस्बा से शहर में आने में सुविधा हो सके। दूसरा, रोड सेफ्टी को लेकर हम लोग बहुत सतर्क हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं इस मोटरसाइकिलों पर, बड़े बड़े वाहन चलाने वाले हम देखते हैं कि जो आदमी ड्राइविंग सीखता है खेत में ट्रैक्टर चलाता है और सीधे चलाता है बालू बस। इसके लिए मैंने परसों परिवहन विभाग की बैठक बुलाई सारे मध्य प्रदेश की, उसमें RTO सब रहेंगे, PS रहेंगे, TS रहेंगे हमारे। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमारा सारे मध्य प्रदेश में ड्राइवरों की एक ड्रेस होगी, चाहे वो बस की हो, चार्टर्ड की हो, बालू बस की हो, चाहे स्कूल बस की हो, ताकि ड्राइवर की पहचान हो कि एक ड्राइवर है। दूसरा, स्कूलों में हम स्कूल विभाग की सहायता से उनके सिलेबस में डालने जा रहे हैं हमारा परिवहन विभाग के बच्चों की पढ़ाई शुरू से ही हो, उन्हें ट्रैफिक के नियम मालूम हो कि बाएँ चल रहे हैं, हेलमेट लगाएँ, हम ट्रैफिक के नियमों की जानकारी स्कूल के माध्यम से बच्चों को देने जा रहे हैं। और दूसरा, जो मैंने कहा कि एक बस का ड्राइवर 40-50 बसों की जान को लेकर चलता है, तो स्कूल और बसों के ड्राइवरों के लिए हम 2 दिन की ट्रेनिंग करवाएंगे, 3 दिन की, उसमें सारे नियम सिखाए जाएंगे। अगर वो अनफिट पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द करना पड़ता है, हम लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा सोचना है कि दोनों विभागों में जो चल रहा है उसको सुधार। दूसरे, 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, तो भाजपा की सरकार में हमने सबसे कहा है कि अधिकारियों से कहा है कि अपने काम में सुधार लाएं, कर्मचारियों से कहा है काम में सुधार लाएं। अगर आप भाजपा के रंग में रंगे हो तो वो रंग आपको उतारना पड़ेगा। सरकार नई बनी हुई है, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, हमारी सरकार होर्डिंगों पोस्टों में दिखने वाली सरकार नहीं है। आप देखिए, सरकार को बने 2 महीने होने को हैं, हम लोग होर्डिंग पोस्टर में कम दिख रहे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं।